हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। राइट, क्वेश्चन है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये फिगर है, ये एक क्यूब है, इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया हुआ, माने वुडन ये जो बॉक्स है, ये वुडन क्यूब है, उसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल ये कट किया हुआ है, इसमें से निकाला हुआ है, वुडन ब्लॉक कटा हुआ है इसमें से हेमिस्फेरिकल। और कंडीशन है कि जो इसका डायमीटर है हेमिस्फेयर का एल, उतना ही साइड है क्यूब का। ठीक है, मीन्स एक क्यूब है जिसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल वुडन पार्ट कटा हुआ है ना, और उसका डायमीटर हेमिस्फेयर का एल है, जो कि माने साइड है, एज है ऑफ क्यूब का। मीन्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड साइड ऑफ क्यूब आर इक्वल एंड फ्रॉम दैट क्यूब हेमिस्फेयर इज कट आउट फ्रॉम इट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये क्यूब में से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट कट के निकल गया, उसके बाद इस क्यूब का एरिया कितना बच गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्या गिवेन है, इसमें गिवेन है इसमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल, ये दिया हुआ है, हेमिस्फेयर डायमीटर का एल है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू हो गया। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये क्यूब का सरफेस एरिया पूरा निकाल देंगे, उसमें से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये हेमिस्फेयर का इनर सरफेस एरिया ऐड करके, और जो ये बेस है, जो राउंड है, जो सर्कुलर पोर्शन है ऑफ हेमिस्फेयर का, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तब लिख देंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 2πr² तो ये हो गया 2πr के जगह पर क्या है l बाई टू का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 2π इंटू l स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर हो गया 4, ये 2 कट गया इससे 2 हो गया, ये हो गया पाई l स्क्वायर बाई टू, है ना, ये हो गया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकल गया पाई एल स्क्वायर बाई टू। अब एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमिस्फेयर निकाल लेंगे, ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का पाई डाल दिया, आर स्क्वायर के जगह पर एल बाई टू का स्क्वायर डाल दिया, ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये यूनिट स्क्वायर हो गया, ये हो गया सर्कुलर एरिया, जो है ऊपर का जो पोर्शन है सर्कुलर, उसका एरिया निकल गया। ठीक है, अब एज ऑफ क्यूब कितना है, एज ऑफ क्यूब वो भी बराबर है किसका, जितना डायमीटर है एल उसी के बराबर, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल, दोनों बराबर है, एज का लेंथ उतना ही है जितना डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर है, वो एल है, इसलिए एल हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, तो यहाँ L है तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो गया। ये तीनों चीज़ निकल गया। अब निकाल देंगे रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, यही क्वेश्चन है पूछता है। ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये हो गया। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब ये तीनों निकाल चुके हैं हम, इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना है, ये है 6L स्क्वायर, ये 6L स्क्वायर है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, प्लस कर देंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, पाई एल स्क्वायर बाई टू। माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कितना है, πL² / 4, माइनस πL² / 4। अब इस सब का क्या कर देंगे, LCM कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है इसलिए, तो ये हो गया 24L स्क्वायर, प्लस का प्लस दिया, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को πL² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πL² ये 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, माइनस डाल दिया πL². ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये 24L स्क्वायर है, ठीक है, 2πL² में से 1πL² माइनस हो गया, तो ये बच गया πL² / 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1L² इसमें भी है, L² इसमें भी है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, इसलिए क्या करेंगे, 1/4 को कॉमन ले लेंगे, L² को कॉमन ले लेंगे, तो बच गया 24 इधर और इधर बच गया प्लस पाई। ठीक है, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।